लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। हाल ही में ओंटारियो के रहने वाले डेवल एक जेंडर नामक एक शख्स ने करीब 6 साल पुराना चीज बर्गर नीलाम किया। मीडिया रिपोर्टों की माने तो डेव ने एक बर्गर और कुछ फ्राइज पिछले 6 साल से अपने घर में संभाल कर रखे थे। अब उसे बेचने के लिए उन्होंने ईबे पर विज्ञापन डाला। इसके बाद जो हुआ वह और भी चौंकाने वाला है। दरअसल डेव को इस बात की उम्मीद नहीं रही थी कि 6 साल पुराना यह बर्गर भी इतने पैसे में बिक जाएगा। डेव के इस विज्ञापन को देखते ही खरीदारों के फोन उन्हें आने लगे, जहां उन्होंने इस बर्गर की नीलामी रकम $30 रखी थी। वही महज 6 दिन के भीतर उस बर्गर की कीमत $62.65 पहुँच गयी। इससे डेव को बड़ी खुशी हुई। डेव अलेक्जेंडर ने आगे बताया कि उनकी बेटी ने उन्हें 6 जून 2012 को बर्गर और फ्राइज खरीदने के लिए कहा था और उसके बाद उन्होंने बर्गर और फ्राइज खरीद कर घर के शेल्फ में रखा। इस पर कहा जाता है, शहर के लोगों का मानना है कि मैकडॉनल्ड्स का फूड कभी खराब नहीं होता। इसी के चलते उन्होंने घर में 6 साल तक बर्गर को संभाल कर रखा और अब इसे नीलाम कर दिया।